हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का लेटेस्ट सर्कुलर शेयर करेंगे। AIBE का ये सर्कुलर 18-9 का है, जो कि 17-9 को हुई बाइपार्टाइट टॉक्स के बारे में है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने के बाद वर्कमैन यूनियन के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी, जिसमें कि सभी पे स्लिप कॉम्पोनेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को फाइनलाइज किया गया है और इस पे कितनी कॉस्ट लगेगी उसको भी फाइनल किया गया है, ताकि जल्द से जल्द फुल फ्लेज सेटलमेंट को किया जा सके। सबसे पहली मीटिंग 20 अगस्त को हुई थी, जिससे बाद की 28 अगस्त को मीटिंग हुई थी और 17 तारीख को भी लास्ट मीटिंग हुई है, जिसमें कि एम्प्लॉयज यूनियन के वर्किंग ग्रुप और इसके साथ साथ श्री राकेश शर्मा ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि इस मीटिंग को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके साथ साथ IBA के भी मेंबर्स इस मीटिंग में शामिल थे। इस मीटिंग में जो जो डिस्कशंस हुई हैं वो कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले वेज रिवीजन की कॉस्ट को फाइनलाइज किया गया है। टोटल कॉस्ट जो कि 7,898 करोड़ रुपीज़ है, उसमें से वर्कमैन के लिए 3,385 करोड़ रुपीज़ फाइनलाइज किए गए हैं, जिसमें से कि बेसिक पे, DA और स्पेशल पे और इसके साथ साथ PQP के लिए 495 करोड़ रुपीज़ फाइनलाइज किए गए हैं और बाकी के बचते 2,890 करोड़ रुपीज़ बाकी के पे स्लिप कॉम्पोनेंट्स के लिए फाइनलाइज किए गए हैं। पे स्केल्स के जो रिवाइज्ड प्रपोजल्स हैं उनके बारे में सारी डिस्कशन हो चुकी है ओवरऑल कॉस्ट को देखते हुए, बस आने वाली मीटिंग्स में उन्हें फाइनलाइज किया जाएगा। इसके साथ साथ क्लैरिकल और सब स्टाफ के लिए एक और स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के लिए भी एग्रीमेंट हो गया है। IBA ने अभी इसके लिए सहमति जताई है। DA पर भी डिस्कशंस हुई हैं। DA के 6,352 पॉइंट्स को मर्ज किया गया है और इसके बाद जितने भी पॉइंट्स होंगे उस पे 0.07% पर स्लैब लगेगा 4 पॉइंट्स के ऊपर। पहले DA 0.10% होता था, लेकिन अब DA को कम कर दिया गया है और इसे 0.07% पे फाइनलाइज किया गया है। स्पेशल पे, PQP और FPP को भी बेसिक पे के अकॉर्डिंग ही रिवाइज किया जाएगा। स्पेशल लोन्स के बारे में अभी कोई फाइनल डिस्कशन नहीं हुई है। जितनी भी कॉस्ट होगी उसी के अकॉर्डिंग स्पेशल पे को फाइनलाइज किया जाएगा और नेक्स्ट मीटिंग में फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। इसके साथ साथ HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल एड भी स्पेशल अलाउंस के फाइनलाइज होने के बाद ही फाइनल की जाएगी। स्पेशल अलाउंस को फाइनलाइज करने के बाद जितनी भी परसेंटेज बचेगी उसे HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल एड में डिवाइड किया जाएगा। बाकी की नॉन फाइनेंशियल आइटम्स के बारे में AIBE का कहना है कि जितने भी आइटम्स हैं ज़्यादातर की डिस्कशन IBA के साथ हो गई हैं और उन्हें आने वाली मीटिंग्स में जल्द ही फाइनलाइज कर दिया जाएगा और जल्द से जल्द फाइनल सेटलमेंट भी की जाएगी। AIBE का कहना है कि डिस्कशंस प्रॉपरली हो रही हैं और हमें उम्मीद है कि सेटलमेंट की ये प्रोसेस इन टाइम कम्प्लीट हो जाएगी। MOU के साइन होने के 90 दिन के भीतर भीतर सेटलमेंट को फाइनलाइज करना होता है, तो AIBE का कहना है कि इन 90 दिनों में सेटलमेंट फाइनलाइज हो जाएगी। इसके साथ साथ 23 सितंबर को नेशनल वाइड प्रोटेस्ट डे ऑब्जर्व किया जाएगा, जिसमें कि गवर्नमेंट की एंटी वर्कर डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज और इसके साथ साथ वेज कट्स और लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में भी बात की जाएगी और इसके अगेंस्ट नेशनल वाइड प्रोटेस्ट की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।